आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताए गए ऐसी पांच औरतों के बारे में जिन पांच औरतों को कभी भी गंदी नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और इन पांच प्रकार के औरतों के साथ कभी भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इन पांच तरह के औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो आप पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहले प्रकार की औरत है वो है पतिव्रता औरत। शास्त्रों के अनुसार आपको किसी भी पतिव्रता औरत को गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए। अगर आप किसी भी पतिव्रता औरत को गंदी नजरों से देखते हैं और उनसे शारीरिक संबंध बनाते हो, ऐसा करने से आपकी जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है, आपके ऊपर भगवान क्रोधित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो दूसरी प्रकार की औरत है वो है विधवा औरत। हमारे ग्रंथों के अनुसार जो औरत विधवा है, जिस औरत का पति मर चुका है, ऐसे औरतों के साथ कभी भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसे औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आप पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आ सकती है। जो तीसरी प्रकार की औरत है वो है गर्भवती औरत। हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, आपको कभी भी किसी भी गर्भवती औरत को गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए। अगर आप किसी भी गर्भवती औरत को शारीरिक संबंध बनाते हो, ये सबसे बड़ा महापाप होता है। ऐसा करने से आप पर किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। तो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो चौथे प्रकार की औरत है वो है दोस्त की पत्नी। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के अनुसार आपको कभी भी आपके किसी दोस्त की पत्नी को गंदी नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपने किसी दोस्त की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते हो तो आप पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है और आपके ऊपर भगवान क्रोधित हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो पांचवी प्रकार की औरत है वो है शिक्षिका। भारतीय शास्त्रों के अनुसार आपकी शिक्षिका स्त्री है तो आपको अपनी शिक्षिका को गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए और ना ही कभी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं और आप धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाते हो।